चैनल माय नेम इज़ अभिजीत। आज मेरा नया ब्लॉग के साथ शुरुआत करने जा रहा है। अभी हम लोग इंदौर के लिए निकलते हैं अभी, और हम आज का ब्लॉग मेरा शुरुआत करने जा रहा है सुबह सुबह के साथ। सुबह सुबह मतलब सुबह में ही मज़ा आता है मतलब। और अभी हम लोग सुबह नहीं, मेरा मतलब कल मेरा सुबह में वीडियो बनाया था, पहले इंट्रोडक्शन का उसका मतलब डिलीट हो गया था वीडियो मेरे, उसकी वजह से मैं डाल नहीं पाया। तो अभी हम लोग इधर में ही ठहरेंगे, फिर मेरा पहला ब्लॉग के साथ फिर कैसा लगा वीडियो उसके बाद लास्ट में देखने का, और कमेंट करो गाइस और सपोर्ट करते रहो मेरे को। काफ़ी ज़्यादा मतलब दोनों जगह में ज़्यादा सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और मैं ये आश्रम में ठहरा है, मेरे को भोजन के लिए बोल रहा, फिर मैं कर आ गया, इसकी वजह से नहीं गया मैंने। तो अभी आगे के लिए रास्ता तक नज़ारा देखते रहो गाइस। अभी आधा रास्ता में पहुंच गया हूँ, आधा रास्ता काफ़ी ज़्यादा एमपी के नज़दीक हो गया अभी। और अभी हम लोग जाने वाला 10-15 किलोमीटर के बाद तो एमपी पहुंचेगा हम लोग। और मेरा साइकिल में प्रॉब्लम हुआ था, गियर में गियर का केबल मतलब पूरा खुल गया था, और उसकी वजह से अभी मैं उस मतलब उसको गियर केबल को फिक्स करने की वजह से मेरा दोस्त वो छोड़ कर चला गया अभी, काफ़ी ज़्यादा दूर छोड़ कर चला गया अभी। शायद ऐसा लगता है मेरे को रास्ता ना अभी उसका रास्ता में पहुंच गया, हम अपना रास्ता में हो गया, अलग अलग रास्ता हो गया शायद ऐसा लगता है। फिर और साइकिल का स्टैंड भी टूट गया, उसका स्टैंड को बनाने वाला था मैंने। फिर साइकिल का स्टैंड को बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, मतलब बहुत चार गया 7 किलोमीटर तक तो अभी जा रहा है, मैंने 7 किलोमीटर तक अब चार कर आया है। फिर अभी टाउन का जैसा देख रहा है, मतलब तरने मिलने जैसा लग रहा है, तरने मिलेगा या चरने मिलेगा कुछ फ़ायदा मालूम नहीं। अभी इतना लंबा चरना पड़ता है ना, गाड़ी का भी पूरा इंजन से धुआं निकल जाता है इतना लंबा। मैं ऐसा रास्ता में 2-3 जगह मिला है, धक्का मरते मरते पूरा थक गया है रास्ते में। और क्योंकि मेरा साइकिल भी मेरा साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। और ये देखो इतना ज़्यादा गाड़ी वगैरह भी इतना भीड़ होता है, वो सब होता है, उतरने जो उतरता है वो लोग का आसान हो जाता है थोड़ा, मतलब अभी जो चारकर आया उसका थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। तो आगे में मिलते हैं, और मेरा साइकिल का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आगे में मिलते हैं गाइस। एमपी में ही एंट्री मारा, आज ही एंट्री मारा, पर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया एमपी में। रास्ते में भी बहुत आदमी मिला है, और मेरे को अभी दोपहर का मतलब दिनारी सोसले में लंच नहीं तो दिनारी सोसले मतलब वैसा करवाया। फिर बहुत चार आदमी मिला था, बहुत अच्छा भी मिला है मेरे को, खाना वाना भी खिलाया है, मतलब समोसा वगैरह वो सब खिलाया है। ये सब भैया है, ये एक है और वो तीनों बैठा हुआ है, वो सब है। और अभी देखा था आप लोगों को इसको, ये भैया लोग ने मेरे को मदद किया था। ये भी है, एक है, तीनों आदमी ये होटल में खिलाया था मेरे को। अभी मेरे को निकलने का बहुत लेट हो रहा है, अभी मेरे को अभी 130 किलोमीटर कवर करने का आज, तो निकलते हैं अभी आधे रास्ते में मिलते हैं गाइस। अलग अलग हो गया अभी रास्ता में, वो कौन सा रास्ता में चला गया मेरे को भी मालूम नहीं पड़ा। हम आगे चलकर आ गया, आगे हम 10 किलोमीटर बाद हम फोन किया तो बोलता है ऐसे ऐसे जगह में है, इसके वजह से हम दोनों का रास्ता अलग अलग, हम छोड़कर आगे आ गया उसको। फिर अभी हम अकेला इंदौर रूट पर चल रहा है, नेशनल हाईवे 52 में चल रहा है मैं अभी मैं आगे में जाकर पेट्रोल पम्प वगैरह मिलते हैं, पेट्रोल पम्प वगैरह मिलेगा तो मैं उधर में ठहरते हैं। फिर अभी मैं इतना लंबा आ गया, फिर भी एक भी पेट्रोल पंप मंदिर वगैरह कुछ मतलब सेफ जगह कुछ दिखाई नहीं दे रहा इधर में, आगे में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। नज़ारा देखो गाइस, इधर इंदौर रोड में एक आश्रम में मिला था, मंदिर बोलकर आया था, फिर
आश्रम है। फिर मेरे को इधर में ठहरने के लिए बोला है कि मैं ठहर सकता हूँ, क्या बोला तू कहाँ से बोला था मेरे को पहले। उसके बाद मैंने बोला मैं मेघालय से हूँ, मैं भारत यात्रा करता हूँ, तो मैं 3 लाख एक दिन के लिए ठहर सकता हूँ क्या बोला था। मैंने रिक्वेस्ट किया था तो ठीक है बोलकर, ठीक है ठहर सकते बोला। फिर उसने बोला था मतलब बेल लगेगा तो नाश्ते के खाने के लिए आ जाने बोला था। फिर मैं तो खा कर आया, फिर बाद में मेरे को बुलाएगा तो मैं बोलूँगा मतलब मैं तो खा कर आया है। और मैं अभी मैं पेट्रोल पम्प में ठहरने वाला था, पेट्रोल पम्प में बहुत दूर शोर कर आ गया, मैं 4-5 किलोमीटर दूर शोर कर आ गया था। मेरा मोबाइल का नेटवर्क गड़बड़ दे दिया, इसके वजह से मैं आधा रास्ते में ही इधर में मंदिर के जैसा देखा था तो मैं चार कर आया। फिर अभी कल सुबह मेरे को, कल सुबह 6 बजे से निकल जाने का है, 6 बजे तक मेरे को निकल कर फिर इंदौर के लिए निकलना है मेरे को। तब तक के लिए थोड़ी देर बाद मैं बात करते हैं। और मेरे वैसे भी मेरा आज मेरा ब्लॉग, आज का मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उसके बाद आप लोग के साथ आगे में मिलते हैं, मतलब कल के नेक्स्ट दिन में मिलते हैं। आज का मेरा ब्लॉग इधर में ही ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा लंबा होने से आप लोग को भी बोरिंग लगेगा देखने का। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में इंतज़ार करो गाइस, बाय बाय।